हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आकाश प्रसाद। आज मैं आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन लेमा का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। यूक्लिड डिवीजन लेमा देखा जाए तो एक रिलेशनशिप है। इसका हम लोग अगर कोई भी नंबर को कोई नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो हम लोग का क्या क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, डिवीजन मिलता है, क्वेश्चन मिलता है और रिमाइंडर मिलता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये चारों प्रॉपर्टीज का रिलेशनशिप है। आइए अच्छे समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज चार फ्रेंड्स मिलके एक पिज्जा को ऑर्डर किया था। अब उस चार फ्रेंड्स इक्वली उस पिज्जा को अपने डिवाइड करेंगे, लेकिन पिज्जा को पहले से 9 इक्वल पोर्शन में डिवाइड किया हुआ था। तो फ्रेम चार है, पार्ट कितना है पिज्जा का? 9। तो इसको अगर हम लोग 9 पीस को चार फ्रेम्स में इक्वल डिवाइड करें तो सबको 2 पीस करके मिलेगा। तो ये हो गया 8, 1। तो यहाँ पे हम लोग का एक पीस रिमाइंडिंग बच रहा है। देखिए दो हर एक को 2 पीस करके मिल रहा है और एक हम लोग का रिमाइंडिंग बच जा रहा है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। देखिए 9 जो है 9 इक्वल्स टू 4 इंटू 2 प्लस 1। यहाँ पर हम लोग का लाइन क्या है? 9 हो गया डिविडेंड, 4 हो गया डिविजर, 2 हो गया कोसेंट और 1 हो गया रिमाइंडर। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा में इसको लिखा, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस 1। ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहाँ पे 9 मतलब जो हम लोग का डिविडेंड था, यहाँ पे हम लोग इसको ए से डिनोट किए हैं और जो डिविजन था 4 उसको बी से और क्वेश्चन को क्यू से, सॉरी यहाँ पे हम लोग का आर होगा, आर मतलब रिमाइंडर का हम लोग आर से डिनोट किए हैं। तो ये जो हम लोग का रिलेशन आया है इसको बोलता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आई होप आप लोगों को ये जो इंट्रोडक्शन चैप्टर था उसको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।